हिंदुस्तान में हजारों लाखों वर्षों से आटा ताजा बनाकर रोटी बनाने की परंपरा है कि नहीं? जो माताएं यहां बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपना गांव देखा होगा, अपने गांव के घर की चक्की देखी होगी, और हमारे घरों में ये जो चक्की चलाने का काम माताएं करती रही हैं, किसी को भी सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई है। चक्की चलाने वाली माताओं के पैरों में दर्द नहीं है, चक्की चलाने वाली माताओं को कभी भी कंधा नहीं दुख रहा है, गर्दन नहीं दुख रही है, नींद अच्छी आ रही है, डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है, 48-50 बीमारियां नहीं है। और जो माताएं पिसा हुआ आटा ला रही हैं कैप्टन कुक आईटीसी का, उनके घरों में डायबिटीज भी है, अर्थराइटिस भी है, हाइपरटेंशन भी है, ये भी है वो। हम जब चक्की चलाते हैं तो एक दिन चला के देखिए तो आपको समझ में आए, सबसे ज्यादा दबाव पेट पे पड़ता है। और मां के पेट में एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है जो पिता के पेट में नहीं है, जिसको गर्भाशय कहते हैं। और गर्भाशय के बारे में आयुर्वेद के सारे रिसर्च और आधुनिक विज्ञान के सारे रिसर्च ये कहते हैं कि ये गर्भाशय के आसपास के एरिया में जितना हलन चलन हो उतनी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी माने मुलायमियत, ये हमारे गर्भाशय का सबसे बड़ा गुण है। तब मेरे समझ में आया कि जो माताएं नियमित रूप से चक्की चला रही हैं उनको सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो रही है, क्योंकि गर्भाशय की इलास्टिसिटी मेंटेन है, तो आसानी से बच्चा बाहर आ रहा है बिना किसी ऑपरेशन के। तब मुझे ध्यान आया कि हमारी जो पुरानी माताएं हैं उनके 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, कभी सुना नहीं कि सिजेरियन। वो दाई आती थी गांव की, जो MBBS नहीं है, MD नहीं है, MS नहीं है, और बच्चे करा के चली जाती थी ऐसे ही, जैसे दाल पका के कोई चला गया या चावल पका के कोई चला गया। हां, ऐसे होता है। और आयुर्वेद तो यहां तक कहता है कि मां का गर्भ 7वें महीने तक चक्की चलाने की अनुमति देता है, मां को 7वें महीने तक चक्की चलवाई जा सकती है, 8वें महीने में नहीं, फिर उसको बंद कर देना अच्छा है। और उतने 7 महीने की चक्की आपके लिए पर्याप्त है कि वो बच्चा बिना सीजर के हो। और जो बच्चे बिना सीजर के हैं उनके जीवन को आप देख लें, और जो सिजेरियन है उनके जीवन को देख लें, जमीन आसमान का अंतर है। सीजर बच्चे ज्यादा बीमार हैं, समय समय पे बीमारियां हैं, जो बिना सीजर हैं वो सब स्वस्थ हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट भी उनका अच्छा है, लॉजिक को डेवलप करने की कैपेसिटी, कल्पनाशीलता उनमें दूसरे बच्चों से ज्यादा है। तो अब आप इसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे इस सूत्र को? अगर संभव हो तो एक एक चक्की ले लीजिए, संभव हो तो। इससे कई फायदे हैं। आपको सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि अगर आपको एक्स्ट्रा वेट है और आप उसको लूज करना चाहते हैं, 15 मिनट सुबह अगर आपने चलाया, 3 महीने बाद आप देखना 12 से 13 किलो वजन कम होगा आपका, सिर्फ 15 मिनट की चक्की। रामदेव जी चक्की चलवाते हैं कि नहीं? आप चलाते हैं कि नहीं? लेकिन वो चक्की चलाते हैं जिसमें कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ऐसे चलवाते हैं कि नहीं? तो असलियत में ही चला लो, कुछ तो आटा तो मिलेगा। कम से कम आटा तो निकलेगा बाई प्रोडक्ट, यहां तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, बस ऐसे ऐसे चला। अब आप बोलेंगे जी चक्की कहां मिलेगी? चक्की अभी भी मिल रही है, यहीं चेन्नई में मिलेगी। पत्थर बनाने वाले बहुत लोग इस देश में हैं जो अभी भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो रो रहे हैं कि राजीव भाई ये कोई खरीदता नहीं, हम क्या करें, हमारा सिल बट्टा भी कोई खरीदता नहीं, चक्की भी कोई। तो मैंने संकल्प लिया है कि मैं बिकवाऊंगा आपकी चक्की, हां, और मैं उनका फोकट का मार्केटिंग मैनेजर हूं। वो मुझे कुछ एक पैसा नहीं देते, लेकिन मैं उनके लिए मार्केट बनाने के काम में लगा हुआ हूं। ये मार्केट बनाने में भागवत जी की बड़ी मदद मिल रही है। और मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहने आया, वो माताओं बहनों को विशेष रूप से, उम्र के एक पड़ाव में जब आप 45 वर्ष के आसपास हो जाएंगी तब आपको गर्भाशय के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू होंगे। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो यहीं से शुरू होगा कि आपको मेनोपॉज पीरियड शुरू होगा, मेंसेस साइकिल आपकी बंद होगी, मेनोपॉज पीरियड शुरू होगा। और उस पीरियड में जितने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो बच्चे के जन्म के समय भी नहीं होते कभी।
और कई कॉम्प्लिकेशन तो ऐसे जिनको कोई मां समझ भी नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अचानक से पसीना आएगा, पूरा शरीर पसीने से भर जाएगा, फिर थोड़ी देर में ठंड लगना शुरू हो जाएगी, फिर थोड़ी देर में तमतमा जाएगा चेहरा, एकदम गर्मी, फ्लैशेस। समझ में नहीं आता किसी मां को कि अभी थोड़ी देर पहले पसीना था, अभी इतनी गर्मी आ गई और अभी इतनी ठंडी लगने लगी। इतने वेरिएशन होते हैं, मिनट मिनट में वेरिएशन होते हैं। मन आपका इतना डिप्रेशन में चला जाएगा, इतना अवसाद में चला जाएगा कि दुनिया बिल्कुल बेकार है, इसमें क्या करना जिंदा रह के। ये डिप्रेशन, कारण उसका एक ही है कि कुछ हार्मोन्स आपके शरीर में बनना बंद हो जाएंगे। अब हार्मोन्स बनेंगे ही नहीं तो फिर मुश्किलें ये सब आती हैं। तो भगवान की व्यवस्था ऐसी है, 45-50 साल की उम्र में हर मां को दूसरा जन्म लेना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो दूसरे जन्म की समस्याएं हैं, लेकिन बागवत जी कहते हैं कि इनको कंट्रोल करके रखा जा सकता है। अब मैं तीसरे सूत्र पे आ रहा हूं। तीसरा सूत्र विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए वो कह रहे हैं कि माताओं और बहनों की मासिक धर्म बंद होने के बाद की जो अवस्था है, इसमें परमानेंट कोई क्योर नहीं है, क्योंकि जो हार्मोन बनना बंद हो गए वो तो हो ही गए, उनको बाहर से भी नहीं डाला जा सकता। लेकिन बागवती जी ये कहते हैं कि उसको कंट्रोल करके रखा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि कंट्रोल करके रखने में मां के रसोई घर के जो उपकरण हैं, उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी मदद आप ले सकते हैं। तो रसोई घर का उपकरण सबसे अच्छा मैंने कहा चक्की, इसकी मदद ले सकते हैं। और दूसरा एक उपकरण और है रसोई घर में, सिलबट्टा। अब नियमित रूप से आप सिलबट्टा चला रहे हैं और चक्की चला रहे हैं तो यूट्रस के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो हमेशा नरम और मुलायम रहने ही वाली है, तो आपकी जिंदगी के कॉम्प्लिकेशन 45 साल के बाद कम रहने ही वाले हैं। आप उनको दवा खा खा के कम करें तो दवाओं के साइड इफेक्ट्स हैं। एक HRT टेक्निक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ज्यादातर माताएं उसमें जाती हैं 45-50 साल की उम्र में, हाथ जोड़कर विनती है कि कभी ना जाएं। और अगर आप गए उसमें तो आपके वजन को कोई भी दुनिया का भगवान नहीं बचा सकता, बढ़ने से बढ़ेगा ही, क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो मेडिसिन है वो सब मेद बढ़ाने वाली है, मेद माने शरीर में एक्स्ट्रा वेट बढ़ाने वाली। तो 15 मिनट की चलाइए ना सवेरे सवेरे चक्की, 15 मिनट से ज्यादा जरूरत नहीं है।